नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। नवरात्र के पूर्णता के साथ ही देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। विजयदशमी का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। विजयदशमी पर्व ही संकल्प का कि हम अपने अंतरतम में उपजी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सन्मार्ग पर अग्रसर हो सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में विजयदशमी का पर्व अपनी अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई और अहंकार का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा और शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। विजयदशमी के दिन देश के कुछ हिस्सों में अश्व पूजन भी किया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में, यानी कि ऐसा समय जो शाम की संध्या से अंधकार होने के पहले एक घंटा पूर्व और एक घंटा बाद हो, उसमें शमी वृक्ष का पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि शमी वृक्ष का पूजन किस प्रकार किया जाना बेहतर रहता है। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष के समीप जाकर उसे प्रणाम करें और उसके बाद शमी वृक्ष की जड़ में गंगा जल हो, नर्मदा जल हो या फिर शुद्ध जल का सिंचन करें। जल सिंचन के उपरांत शमी वृक्ष के सम्मुख दीपक जरूर जलाएं। दीप प्रज्वलन के पश्चात शमी वृक्ष के नीचे कोई सांकेतिक शस्त्र रखें, यानी कि कुछ न कुछ एक संकेत द्वारा। इसके बाद शमी वृक्ष और शस्त्र का यथाशक्ति धूप, दीप, नैवेद्य, आरती से पंचोपचार, यानी कि 5 तरीकों से उपचार या फिर 16 तरीके चढ़ाकर, 16 तरीकों का जो उपचार होता है षोडशोपचार कहा जाता है, पूजन करें। पूजन के उपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शमी शम्यते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्रीराम पूजिता। यानी कि हे शमी वृक्ष, आप पापों का क्षय करने वाले और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की, हम भी करेंगे। हमारे विजय में आप बढ़ने में सहायक रहें और बाधाओं को दूर करके उसके सुखमय बना दें। इस प्रार्थना के बाद यदि आपको शमी वृक्ष के समीप शमी वृक्ष की कुछ पत्तियां गिरी मिलें तो उन्हें ये आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लाल वस्त्र में लपेट कर हमेशा अपने पास रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शमी वृक्ष से खुद गिरी पत्तियाँ ही एकत्र करनी है, यानी कि शमी वृक्ष से पत्तियाँ तोड़नी नहीं है। इस प्रयोग से आप शत्रु बाधा से मुक्त होंगे और शत्रु पराभव करने में सफल होंगे। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।